आवाज़ सुनी आपने? तो बने हैं ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरे से मार्केट स्टाइल आलू के चिप्स, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इसे घर पे बना सकते हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, इसमें आपको आलू को उबालना नहीं है, सुखाना नहीं है, पोंछना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। छोटी बड़ी सारी सीक्रेट्स मैंने इस वीडियो में शेयर की है। और इतना ही नहीं, 1 किलो आलू में से आप कितने चिप्स घर पे बना सकते हैं और वो मार्केट से कितने सस्ते पड़ते हैं, ये भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें। हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं 5 मिनट में इंस्टेंट आलू के चिप्स। तो ऐसी क्रिस्पी और परफेक्ट आलू की चिप्स बनाने के लिए सबसे पहला सीक्रेट होता है आलू। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो कोई भी आलू में से चिप्स बनाते हैं और इसीलिए उनकी चिप्स इतनी परफेक्ट नहीं बनती है। तो इंस्टेंट आलू की चिप्स बनाने के लिए आलू हमें चाहिए लाल वाले। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो जितने लाल आलू लिए हैं और ये नई फसल के लाल आलू हैं, इसीलिए ये इतने साफ़ सुथरे हैं और इसका कलर हल्का सा डल लग रहा है। लेकिन जब ये आलू पुराने हो जाएंगे तो ये इसका कलर थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ट्रायल में ही आपकी आलू की चिप्स एकदम परफेक्ट कुरकुरी क्रिस्पी सी बने, तो आपने हमेशा लाल आलू ही लेने हैं, चाहे नए हों या पुराने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आलूओं को छील लेंगे। तो एक पीलर की मदद से हम आलूओं को छील लेंगे इस तरीके से। तो ये एक आलू मैंने छील लिया है और अंदर से देखो, ये अंदर से पूरा वाइट है जबकि ऊपर से ये पूरा लाल होता है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक पानी के बॉल में इसको डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे आलूओं को भी छील लेंगे और छीलने के बाद आलूओं को हम पानी से भरे बॉल में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को छील के ले लिया है और ये जो पानी है मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अब क्या करेंगे, इस पानी में से आलूओं को निकाल के एक नैपकिन पे ले लेंगे और नैपकिन की मदद से इनको हम अच्छे से पोंछ देंगे ताकि बिल्कुल भी इसके ऊपर पानी ना रहे। और पोंछने के बाद इसे हम एक प्लेट में अलग से रखते जाएंगे। तो हमारे सारे आलू पोंछ के मैंने इस तरीके से ड्राई करके ले लिए हैं और अब इनको हमें स्लाइस करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइसर लिया है, आप अपने घर पे जो भी अवेलेबल है उससे इसकी स्लाइस कर सकते हैं। तो अब आलू को इस तरीके से रख के हम इसकी स्लाइस कर लेंगे। तो आप आलूओं को जब भी स्लाइस करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो स्लाइस है आलू की वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है ये इतनी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो तुरंत ब्राउन हो जाएगी और बहुत मोटी होगी तो वो क्रिस्प नहीं होगी। तो उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को इस तरीके से स्लाइस कर लिया है और दूसरी साइड मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था। तो जो तेल है वो गरम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इन स्लाइस को हम एक एक करके तेल में डाल देंगे। गैस की आंच को एकदम तेज़ रखना है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्लाइसेस एक साथ आपने फ्राई नहीं करनी है। तो एक बार सारी स्लाइसेस तेल में डालने के बाद तुरंत उसे नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हमें इसे पलटना है। तो तब तक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉल लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और इसको हम मिक्स कर देंगे जब तक जो नमक है वो अच्छे से पानी में घुल नहीं जाता। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब इधर दूसरी साइड हमारी चिप्स जो है वो भी थोड़ी देर हो गई है इसको तेल में डाले हुए, तो इसको हम थोड़ा उलट पुलट कर देंगे इस तरीके से। अब थोड़ी देर उलट पुलट करने के बाद अगर आपको लगे कि जो चिप्स है वो हल्की सी क्रिस्प होने लगी है, तब हम क्या करेंगे, हमने जो नमक वाला पानी बना के रखा था उसमें से 1/4 टीस्पून जितना हम इसमें पानी डालेंगे। ये नमक वाला पानी एक ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से आपकी जो चिप्स हैं वो इवनली क्रिस्प होती हैं और नमक जो है वो एकदम इवनली सारी चिप्स के अंदर बैठ जाता है। और झारे की मदद से ना हम चिप्स को उलट पुलट करते ही रहेंगे ताकि ये इवनली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये जो हमारी चिप्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से झारे के अंदर लेके हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से टिल्ट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये पूरा बैच फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और शुरुआत से लेके अंत तक आपने गैस की जो फ्लेम है वो एकदम हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे इसे पूरा फ्राई करना है।
तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बैच भी फ्राई करेंगे। तो जब भी आप इस चिप्स को घर पे बनाएं तो ध्यान रखें कि सारे आलू की स्लाइसेस आपने एक साथ करके नहीं रखनी है, एक एक आलू की स्लाइस हम करते जाएंगे और उसे हमें फ्राई करते जाना है। और आलू की स्लाइसेस को तेल में डालने से पूरा फ्राई होने तक गैस की जो आंच है उसे एकदम तेज़ रखनी है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे हम आलू की स्लाइसेस को अलग से हम प्लेट में निकालते हैं, फिर हम उसको एक एक करके तेल में डालते हैं, उसके बदले सीधा स्लाइसेस में से हम आलू की स्लाइस तेल में गिराते जाएंगे और फिर हम इसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, तो एकदम सावधानी से आपने इसको करना है। और दूसरा कि आपका जो स्लाइसर है उसकी धार एकदम शार्प होनी चाहिए, तभी आप एकदम आराम से और स्मूथली स्लाइसर से आलूओं को तेल में गिरा पाएंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो आलू है हमने उसको एकदम तेज़ आंच पे फ्राई किया है, लेकिन फिर भी वो आलू ब्राउन नहीं हुए, डार्क नहीं हुए हैं कलर में। तो इसका रीज़न आपको पता है क्या है? तो वो है हमारे लाल वाले आलू। जी हाँ, जब भी आप लाल आलू से इंस्टेंट चिप्स बनाएंगे तो उसकी जो आलू की स्लाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ तेल में चिपकती नहीं है, और दूसरा उसको आप कितना भी तेज़ आंच पे फ्राई करो वो जल्दी से ब्राउन नहीं होती हैं। इसलिए आपने देखा इतनी तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद भी हमारी जो आलू की चिप्स हैं उसका कलर एकदम वाइट ही है। तो इस तरीके से हमारे सारे आलू की चिप्स फ्राई हो चुकी हैं, और इसे देख के कोई भी कहेगा कि आपने इसे घर पे बनाई है, क्योंकि दिखने में ये एकदम अंकल चिप्स और लेज जैसी ही दिख रही हैं। अब आप इसकी आवाज़ सुनो। है ना, आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनी है। अब इसमें से मैं आपको एक को क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम इवनली फ्राई हुई है ये, और ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इसको खा के आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने इस रेसिपी में नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं वो नमक डाला था। अगर आपको फास्टिंग के लिए इसे बनानी है तो वहाँ पर आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब से आपको मार्केट से चिप्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसी, मैं तो कहूँगी कि मार्केट से भी बहुत अच्छी चिप्स हम घर पे आराम से बना सकते हैं। अब इसको हम वज़न करके देखते हैं कि 1 किलो आलू में से ये कितनी चिप्स बनी है। वैसे इस वीडियो को बनाते बनाते 2-3 आलू की चिप्स तो हम सब घर वाले मिल के खा ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम वज़न करके देख लेते हैं तो हमें एक रफली आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे 180 ग्राम जितना दिखा रहा है, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको कहा कि 2-3 आलू की चिप्स तो हम बनाते बनाते ही खा चुके हैं, क्योंकि खाने में ये इतनी ज़बरदस्त लगती है कि आप चाह के भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक अंदाज़ लगाएं तो 1 किलो आलू में से आराम से 250 ग्राम जितनी चिप्स बन के तैयार होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 250 ग्राम चिप्स ही तैयार होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट से जो हम 10 रुपये वाला चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हैं उसमें कितना ग्राम चिप्स होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाहर जो 10 रुपये वाला पैकेट मिलता है उसमें 20 ग्राम जितनी चिप्स आती हैं। तब आप सोच लो कि ऐसे 250 ग्राम चिप्स में से हम 10-10 रुपये वाली जो चिप्स की पैकेट है वो कितने तैयार कर सकते हैं। और जो लाल आलू हैं वो आपको आराम से मार्केट में 25-30 रुपये किलो मिल जाएंगे। तो अब आप कैलकुलेशन लगा लेना कि घर पे चिप्स बनाना कितना सस्ता पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद चिप्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, और अब से नेक्स्ट आप जब भी चिप्स बनाएंगे तो आपकी चिप्स एकदम मार्केट जैसी क्रिस्पी बनेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर बहुत अच्छी लगी आज ही इसको अपने किचन में ट्राई करें, बहुत अच्छी लगी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।